हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है और ये है आज की एनर्जी, और आज की एनर्जी बहुत ही प्यारी है, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। और ये आज की एनर्जी बताने के पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक्या बताना चाहती हूँ कि मैं एग्जैक्टली आज की एनर्जी क्यों बना रही हूँ। जो आपकी हमारी सबकी प्यारी सी जो डिवाइन फेमिनिन है, जो हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती हैं, शी वॉज रिसीविंग सम वेरी लाइक नेगेटिव एनर्जीज एंड एन्जाइटी वाली एनर्जीज। सो शी कन्फर्म फ्रॉम मी, तो मैंने कहा कि आज की एनर्जी तो बहुत प्यारी है, लेकिन क्योंकि आप लोग उनको सुनते हो ना सभी, तो एक कहते ना आपके मेंटर से आपकी एक साइकिक टाई कनेक्ट हो जाती है, एंड बिकॉज शी इज़ न्यू इन दिस फील्ड, तो हमको एंड ऑफ द डे ऐसा फील होता है सबकी कलेक्टिव की जो नेगेटिव एनर्जी या डिप्रेशन वाली सैड एनर्जी या एन्जाइटी वो फील होती है, हमारे ऑरा फील्ड में आके चिपक जाती है। सो देन आई गाइड हर क्या करना है क्या नहीं। सो देख लीजिए, एक मेंटोर बनना इतना आसान नहीं होता है सभी की, जो लोग हमको सुनते हैं सबकी साइकिक टाइज कनेक्ट होती है ना, और आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, मतलब जो भी नेगेटिव डिप्रेशन सैड सब चीज़ हमसे हमारे तक रिसीव होती है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी अ मेंटोर। वेल, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमें चुना गया है भगवान ने अपना इंस्ट्रूमेंट समझ के। ओवरऑल चलिए, जब हमारी DF ने पूछा ही था तो मैं बताना चाहूँगी कि आज की तो एनर्जी बहुत ही प्यारी है। इनफैक्ट अब धीरे धीरे ग्राफ ऊपर ही जाने वाला है। अब आप लोग ये सैड एनर्जी, एन्जाइटी की एनर्जी, DM की नेगेटिव एनर्जी को जितना जल्दी भूल जाओ उतना ही अच्छा है। सी अभी आप में से कुछ लोग अगर ऐसा फील कर रहे हैं, लाइक अगर लास्ट 3-4 डेज से या 1 वीक से आपको ऐसा लगा कि मुझे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है मेरे पर्सन से, या आप डिटैचमेंट जैसी फीलिंग या एक न्यूट्रल बैलेंस वाली फीलिंग आपको कंटिन्यूसली, आप बैलेंस्ड मोड में थे, ठीक है, और ऐसा कोई ऑब्सेशन नहीं था आपका, ठीक है, तो आप बिल्कुल सही रास्ते में जा रहे हैं। जैसे मैंने रिसेंटली एक चैनलिंग में कहा था कि दोनों ही बहुत पीसफुल एंड काम है, कोई टेंशन नहीं है एज सच। हल्के फुल्के डाउट्स कन्फ्यूजन्स तो हमारे लाइफ में वैसे भी रहते हैं, आप ट्रेन जर्नी में हो या आप नॉर्मल सोल जर्नी में, परेशानियाँ कहाँ नहीं होती हैं। तो एक जनरल लाइफ में डिफ़िकल्टीज़, परेशानियाँ, थोड़े बहुत चीज़ें, अप्स एंड डाउन्स, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, उसको हम लोग एनर्जी में कनेक्ट नहीं करेंगे। बट ओवरऑल ये जो एनर्जी कंटिन्यूसली बहुत ब्यूटीफुल है कई दिनों से, तो अगर आप में से कुछ DF को अगर एक हफ्ते भर से बहुत न्यूट्रल एंड बैलेंस लग रहा है, या और आप किसी कारण से अपने पर्सन से लाइक मतलब हेटरेड वाली फीलिंग से डिटैच हो रहे थे कि नहीं यार ये तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, ईगोइस्टिक है, या ये नहीं आने वाला है, ये बदलने वाला नहीं है, सुधरने वाला नहीं है, ब्ला ब्ला जो भी आपने कहानियाँ सोची थी अपने DM के लिए, तो आपको अपनी गलती रियलाइज़ हुई कि नहीं, मुझे मेरे DM के लिए नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी हमारी लाइफ में नेगेटिव पीपल, मतलब आई मीन टू से नार्सिसिस्टिक ट्रेट वाले अगर DM आते भी हैं, तो वो हमारे को ही हमारे को एक ना अच्छे एक अच्छा लेसन सिखाते हैं, या हमारे DM अगर स्ट्रिक्ट भी हैं, ठीक है, ढीठ भी हैं, तो वो एक्चुअली हेल्प करते हैं हमारे लेसन्स को फाइंड आउट करने में। मुझे काउंसलिंग में बहुत लोग कहते हैं, मैम हमको तो हमारा ट्रिगर ही समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी कहाँ कहाँ काम करना है, ठीक है, और ये जो आपके DM होते हैं ना, ये बहुत बढ़िया आपको आपके जो ट्रिगर्स बता देते हैं बहुत इजीली, तो ऐसे होना भी ज़रूरी है।
बट जिन ऐसे डीएम के लिए अगर आपने नेगेटिव सोच के रखा था, तो आपका अब आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई है कि नहीं, हमें अपने पर्सन के लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, राइट? तो अगर आप इस एनर्जी से गुजर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, क्योंकि अगर आप इस वक्त पीसफुल एनर्जी में हो, अगर इस वक्त चाहे आप भी इन द बिगनिंग ऑफ द जर्नी में हो, चाहे आप मिड ऑफ द जर्नी में हो, या आप एंड ऑफ द जर्नी में हो, अगर आप पीसफुल हो, न्यूट्रल हो, बैलेंस हो, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, क्योंकि इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बिल्कुल काम, न्यूट्रल, कोई टेंशन वाली नहीं है। तो अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, राइट, तो आपको अपने आप पे काम करना है। कहाँ करना है, बैठिए, एनालाइज करिए, ठीक है? सो ये तो हो गई आज की बहुत ही प्यारी वाली एनर्जी, और आगे मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ आगे का बताना है, बिकॉज जिस प्रकार से हमारी 5D असेंशन होती जा रही है, क्या क्या हमारे प्लैनेट अर्थ में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेट्स कि मैं थोड़ा सा और बेटर हो पाऊँ, जल्दी जल्दी हीलिंग हो पाऊँ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मुझे बताने को है अभी ड्यू। ओवरऑल 20th September करीब आ रही है, और 21st September एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है इस मंथ का। क्यों है, इस पर हम आगे बात करेंगे, तब तक ये मेरी छोटी सी प्यारी सी चैनलिंग है। और देखिए, एक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हमेशा क्या होता है कि ये जो चैनलिंग है, ये जो एनर्जी है जो हम लोग बताते हैं, एग्जैक्टली जो एनर्जी है क्लैरोवॉयंस वही बताते हैं कि हाँ भाई, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी बीत रही है, बहुत अच्छी जा रही है, सब लोग बहुत लाइक आपके डीएम की एनर्जी भी नॉर्मल है, न्यूट्रल है, धीरे धीरे, क्योंकि ये जर्नी में एक दिन में अप्स एंड डाउन नहीं आते हैं, एनर्जी एक दिन में आज ये कल कुछ और ऐसी नहीं हो जाती है, ठीक है ना? तो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, और बिल्कुल डिवाइन की जर्नी है, तो चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी। और अब तो बताया जैसे मैंने आपको कि अब आगे सब पॉजिटिव ही होगा, प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है, ठीक है? और इन स्पिरिचुअल चैनल्स की एक बात मैं और बता दूँ आपको दोस्तों, जहाँ भी आप ज़्यादातर अक्सर एनर्जीज नेगेटिव सुनते हो कि बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अटैक्स होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी है, बुरी एनर्जी है, समटाइम्स कुछ इस टाइप के चैनल में जहाँ आप सुनते हो वो बार बार नेगेटिव नेगेटिव बताते हैं, और वहाँ पर आपसे रेजोनेट क्यों होते हैं, मैं आपको उसका सीक्रेट बताती हूँ आज। इसीलिए होते हैं क्योंकि ये हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आगे बहुत सारे ट्रिगर्स आने वाले हैं, साइकिक ट्रिगर्स आने वाले हैं, ठीक है? खूब बवाल होने वाला है, अगर जो अनविकन इस प्रकार से जो एनर्जीज बताते हैं, मैं उनके बारे में बता रही हूँ कि जब वो इस प्रकार से बोलते हैं, क्योंकि हम सभी मेडिटेशंस करते हैं, चक्रास करते हैं, अपनी एनर्जी को रेज करते हैं, और हम सभी जरिए पे एक अच्छे मैनिफेस्टर बन जाते हैं। और जब ये चीज़ एक ही एक बात, नेगेटिव बात को बार 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 बोला जाता है, तो वो यूनिवर्स में जाके मैनिफेस्ट जाती है। तो जितने कानों ने सुना है कि नेगेटिव होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, वहाँ नेगेटिव हो जाता है, फिर आपको लगता है अरे हाँ, ये तो मुझसे रेजोनेट कर रहा है। ये सीक्रेट मैंने आज से एक साल पहले भी बताया था एक वीडियो में, बट आज मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज हमारे चैनल पे नए लोग भी आए हैं, चैनल को नए नए लोगों ने भी ट्यून किया है चैनल पर। सो मैं बोलना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ में अगर नेगेटिव हो भी रहा हो तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, बिकॉज यू कैन चेंज योर डेस्टिनी बाय योर थॉट्स। इफ़ समथिंग इज़ गोइंग ऑन नेगेटिव, यू कैन चेंज इट बाय योर ओन पॉजिटिविटी। आप यूनिवर्स में अगर पॉजिटिविटी थ्रो कर देंगे तो वो नेगेटिविटी डिसअपियर हो जाएगी, बट अगर उसी नेगेटिविटी को आप बार 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 रिवाइज करोगे, बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, नेगेटिव होएगा, अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है, तो वो चीज़ होती जाएगी, यू आर मैनिफेस्टिंग। इसी प्रकार से कई चैनल लिंक्स में जब हम बार बार डराने वाली बातें सुनते हैं, वहाँ पर लोग कहते भी हैं कि हाँ मैम, रेजोनेट कर रहा है, बिकॉज वो चीज़ मैनिफेस्ट की गई और वो हो गया। सो बी केयरफुल अबाउट द चैनलिंग्स ऑल्सो, ठीक है? ओवरऑल
at the gist of my channeling today, everything is going to be very positive. आपकी DM भी पॉजिटिव एनर्जी में है. दे आर इम्प्रूविंग. बिल्कुल डिवाइन का पूरा हाथ आपके DM के ऊपर है, आपके ऊपर भी है. यू आर ऑल्सो डूइंग गुड. और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप पॉजिटिव नहीं हो, तो आपको खुद में करेक्शन करना है. बिकॉज आने वाला टाइम जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. और ये बात मैं कई मंथ से बोल रही हूँ. ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.